हेलो, वेलकम बैक माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी ऑल आर हियर टू डिस्कस अबाउट द प्रोज सेक्शन ऑफ क्लास नाइन्थ। प्रोज सेक्शन ऑफ क्लास नाइन्थ, द फर्स्ट चैप्टर इज द फन दे हैड बाय आइज़ैक एसिमोव who had written the story about some robotics, about some mechanical instrument, but the story he set up by the two kids whose name was Margie and Tommy. इस कहानी को जो आइज़ैक एसिमोव ने सेटअप किया है, वो दो बच्चों को लेकर सेटअप किया है, और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये आज की कोविड-19 सिचुएशन को लेकर आपके माइंड में सेटअप होने वाली है। ये स्टोरी आपको आज की सिचुएशन और हमारी फ्यूचर की सिचुएशन और हमारे पास्ट की सिचुएशन तीनों को याद दिला देगी। तो बच्चों, बने रहिए, इस कहानी को बिल्कुल एंड तक देखिए, एक भी मिनट एक भी सेकंड आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपने एक भी सेकंड एक भी मिनट अगर आपने स्किप कर दिया तो आप इस कहानी को अपने दिल और दिमाग से खो बैठेंगे। तो आइए इस कहानी को आपके माइंड में बिल्कुल ताज़ा तरीके से सेटअप करने के लिए आपके सामने आपके कृष्णा सर, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि 9th, 10th, 11th, 12th की इंग्लिश और भी सब्जेक्ट की वीडियो आपको इस चैनल पर जल्दी से मिल पाए, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा, थैंक यू। आइए, ये कहानी बेटा शुरू होती है दो प्यारे प्यारे से बच्चों, गोलू मोलू दो बच्चे हैं, एक का नाम है मार्जी और एक का नाम है टॉमी। मार्जी जो कि बेटा 11 साल की है, टॉमी जो कि 13 साल का है। मार्जी जो है वो एक गर्ल है और टॉमी जो है वो एक बॉय है। नहीं तो कई लोग टॉमी का मतलब कुछ और समझ बैठे होंगे, ऐसा मत सोचिए बेटा, टॉमी का मतलब बॉय ही होता है, बॉय भी होता है, टॉमी का मतलब डॉगी नहीं होता, समझ में आया ना। ये दोनों फास्ट फ्रेंड हैं एक दूसरे के। एक बार की बात मैं आपको बता दूँ कि जो मार्जी है बेटा, वो एक बार डायरी लिखने के लिए बैठती है, फ्यूचर डायरी लिखने के लिए बैठती है, और डेट होती है 17 मई 2157। 100-150 साल बाद की फ्यूचर की कहानी वो लिखने को बैठती है, तभी उसको उसको दिखता है उसका फ्रेंड, तभी उसको उसका फ्रेंड दिखता है टॉमी। टॉमी को देखती है कि टॉमी के हाथ में कुछ है, टॉमी किसी चीज़ को देख रहा है। टॉमी जब किसी चीज़ को देख रहा है, वो डायरी लिख रही है, तो उसका दिमाग जाता है टॉमी के पास और टॉमी से बोलती है, मेरे भाई बताइए आपको क्या इस डायरी में मिला, कहाँ से ये डायरी मिली, ये है क्या, इसमें बताया क्या गया। बहुत एक्साइटेड होती है। टॉमी कहता है, मेरी बहना, मेरी दोस्त, ये डायरी मुझे मेरे ग्रैंडफादर की है, मेरे ग्रैंडफादर की है, और मेरे ग्रैंडफादर ने इसमें लिखा हुआ है। और ये डायरी तुरंत मार्जी पूछते मिली कहाँ से है, तो वो बताता है कि हमारे घर में एक भैया, एक छोटा सा स्टोर रूम है, स्टेयर्स, यहाँ पर स्टेयर्स बनी हुई हैं, स्टेयर्स के नीचे हमारा छोटा सा स्टोर रूम है, वहाँ पर ये पड़ी हुई थी, जो खड़ंजर फड़ंजर अक्कड़ बक्कड़ सब अपन डाल देते हैं ना स्टोर रूम में, वहाँ पड़ी हुई, तो वहाँ से मुझे मिली, मेरे दादाजी ने लिखी है, और इस डायरी में हमारे दादाजी ने अपने समय के स्कूल के बारे में बताया है, स्कूल के बारे में बताया है। अरे यार, ये स्कूल क्या होता है, कोई बात नहीं, स्कूल के बारे में बताता हूँ। टॉमी बोलता है कि भैया मैं स्कूल के बारे में बताता हूँ, लेकिन पहले देख तो लो कि इस डायरी में है क्या। जब दोनों इस डायरी में देखते हैं तो उसके पेज उसको येल्लो दिखाई देते हैं, येल्लो पेज, पीले कलर के पेज हैं, थोड़े से रेड भी हल्के से हो गए हैं, और जो उनके वर्ड्स होते हैं, जो उनके लेटर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं बेटा, कॉन्स्टेंट होते हैं। ये मार्जी का दिमाग थोड़ा सा खिसक गया, यार ये कैसी डायरी है, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो तो सब कुछ कॉन्स्टेंट है, ये तो रुका हुआ है, ये तो चल ही नहीं रहा है, जबकि हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं। मोबाइल उठाया, स्क्रॉलिंग किया,
मोबाइल उठाया, हजारों बुक्स देख ली, हजारों वर्ड्स देख लिए, लेकिन यार ये तो सिर्फ एक ही पेज, दो पेज, तीन पेज, उसमें जो शब्द लिखे हैं क्या दादाजी सिर्फ इन्हीं को पढ़ के पार हो जाए, क्या इन्हीं को पढ़ के पास हो जाते थे, इन्हीं को पढ़ के उनको मज़ा आता था, लेकिन है क्या इनमें, है क्या भैया ऐसा पेजों में? तो वो कहते हैं कि भैया इन पेजों में स्टडी किया करते थे हमारे दादाजी, अपने स्कूल के बारे में उन्होंने लिखा है। अरे यार फिर वही बात कि स्कूल होता क्या है, स्कूल होता क्या है? बोले बताता हूँ मैं स्कूल क्या होता है, तभी अचानक से क्या होता है, मार्जी की जो माँ होती हैं, इनकी मम्मी जो होती हैं, माँ, इनकी माँ जो होती हैं, वो आवाज़ लगाती हैं कि बेटा बेटा तुम्हारा जो रोबोट था जिससे तुम पढ़ाई किया करती थी, जो मैकेनिकल डिवाइस आपकी थी जिससे तुम पढ़ाई करती हो, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी इस समय, मोबाइल उठाया, मोबाइल पे हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, तुरंत ऊपर नीचे किया, सर्च किया, गूगल सर्च किया, हमें हमारा आंसर मिल जाता है। अब ये रोबोट किस तरीके से सेट हुआ करता था, ज़रा उसकी कहानी हम आपको बता दें। ये जो रोबोट हुआ करता था वो बच्चों की जो उम्र होती थी, जिस एज के जो बच्चे हुआ करते थे, उसके अकॉर्डिंग रोबोट को सेट करके उनके घर पर भेज दिया जाता था, और वो रोबोट उन्हीं बच्चों को पढ़ाया करता था जिस बच्चों के अकॉर्डिंग 15 साल, 10 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग लेक्चर, उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट लेना, सब कुछ वैसे ही हुआ करता था। मार्जी 11 साल की थी, 11 साल की मार्जी थी, तो उसको 11 साल के अकॉर्डिंग सेट था, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो गई थी उसमें, जो ज्योग्राफी के सब्जेक्ट थे, कुछ प्रॉब्लम आ गई ज्योग्राफी के जो सब्जेक्ट थे। उसकी माँ बोलती है बेटा तुम्हारे जो ज्योग्राफी के सब्जेक्ट हैं वो थोड़ी सी फास्ट चलने लगे थे, ज्योग्राफी का जो तुम्हारा असाइनमेंट था वो थोड़ा फास्ट चल रहा था तुम्हारी उम्र के अकॉर्डिंग, जिस वजह से तुम काफ़ी दिनों से पढ़ नहीं पा रही हो। अरे मार्जी को टेंशन हो गई, यार अभी तो हम बात कर रहे थे स्कूल की, ये कहाँ से आपने माँ छेड़ दी बात रोबोट की। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, काउंटी इंस्पेक्टर आए हुए हैं जो रोबोट को सही करते थे। काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं और वो मार्जी को देख के बड़ा ही स्माइल देते हैं, अरे बेटा पढ़ना तो पड़ेगा। आप लोग क्या सोचते हो, अरे आज नेट कनेक्टिविटी चली गई, कोई बात नहीं, आज कृष्णा सर की क्लास नहीं पढ़नी पड़ेगी, कोई बात नहीं, आज मैथ की क्लास नहीं पढ़नी पड़ेगी, पापा मम्मी आज तो नेट ही नहीं आया, आज तो क्लास बफरिंग करी है, बहुत दिक्कत हो रही थी, क्लास ऐसी हो रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई हो ही नहीं रही है, आप ऐसे कारण ढूंढने लगते हो ना पढ़ने के लिए। तो मार्जी भी क्या कर रही थी, मुझे वैसे भी पढ़ना पसंद नहीं है, अच्छा हुआ खराब हो गया। लेकिन ये जब काउंटी इंस्पेक्टर आते हैं तो मार्जी का मूड ऑफ हो जाता है कि भैया आप तो पढ़ना पड़ेगा, भगवान करे इसको कुछ आता जाता ना हो, जैसे आप सोचते हैं भगवान करिए टीचर बीमार हो जाए, भगवान करिए इसका नेट चला जाए, हमें पढ़ना ना पड़े। तो ऐसे ही क्या होता है काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में वो सोचते, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर बिल्कुल मेरी तरह था, उसने क्या किया, एक एप्पल निकाला और उसको दे दिया कि बेटा इसको एप्पल को खाओ, जब तक मैं देखता हूँ आपके इसमें क्या है, आपके रोबोट में क्या कमी है, क्या अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 होने वाले हैं। काउंटी इंस्पेक्टर एप्पल देता है मार्जी को और उसको रिजॉल्व करता है, सुधारता है, उसको इल्यूमिनेट करता है, देखता है कि क्या कमी है, तो उसको सही करता है कि जो उसमें ज्योग्राफी के चैप्टर्स थे वो फास्ट क्यों चल रहे थे। इस वजह से फास्ट चल रहे थे क्योंकि वो थोड़ा सा एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो चुके थे। और उसको सही करने के बाद मिसेज जॉन जो कि मार्जी की माँ थी, मिसेज जॉन को इन्फॉर्म करता है, राइट नाउ ये आपका सही हो चुका है, इसमें ये खराबी थी कि ये बच्चे की उम्र से ज़्यादा था, अब मैंने मार्जी की उम्र से सेटअप कर दिया है, आप उसको पढ़िएगा। अब भैया वो उसको सही करके चला जाता है, टाटा बाय बाय करता है, मार्जी का तो मन वैसा ही नहीं था, कहती है फालतू में ये सही करके चला गया, मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो टॉमी यहाँ बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था, बेटा अब तो फंस गए, जब दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त का मन नहीं लगता, एक दोस्त पढ़ने वाला होता है, और जब ना पढ़ने वाले की बात पढ़ने पे आ जाए, माँ बाप के पेरेंट्स की आपके दबाव बन जाए, तो वो भी कहता है अच्छा जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए, आ जाओ। टॉमी कहता है बहना सही हो गया, आप तो पढ़ना पड़ेगा। इसका अभी भी मन नहीं है, दिमाग वहीं था कि बताओ वो डायरी में स्कूल की बात क्या थी, ये स्कूल क्या होता है, हमारा स्कूल तो हमारे घर पे है, हमें भैया स्कूल के क्या लेना देना, हम तो पढ़ते हैं। लेकिन टॉमी बड़ा ही बदमाश था, उसने कहा आपको पता है मार्जी स्कूल में क्या होता है, सामने एक आदमी पढ़ा रहा होता है, वो सारे बच्चे एक साथ जाते हैं क्लास में, सभी बच्चे एक साथ बैठते हैं, एक साथ लंच करते हैं, एक साथ घूमते हैं, वो टीचर से
अपनी बात पूछ सकते हैं, आमने सामने होते हैं, विजुअलाइजेशन होता है। ई लर्निंग नहीं होती है, ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग नहीं होती है कि नेट पे डाला, आपकी किताब खुल गई, आपने आंसर फिल किया और रोबोट के माध्यम से आपको आंसर सबमिट हो गया, रोबोट ने कहा इट्स नाउ क्लियर, इट्स नाउ बैड, एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, ऐसा नहीं होता है। वहाँ तो टीचर दो थापड़ भी मार देते हैं, समझा भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, बहुत अच्छे से बिहेवियर दिखाते हैं अपना टीचर। अरे इतना इंटरेस्टिंग था स्कूल, इतना इंटरेस्टिंग होता था, अब उसके दिमाग में स्कूल की इमेज बन गई है। अब क्या होता है, उसकी माँ तुरंत बोलती हैं, अरे बेटा टॉमी थोड़ा इसका होमवर्क है, मैथ की क्लास है, इसको मैथ पढ़ लेने दो। तो अब क्या होता है, मार्जी बुला लेती हैं किनको, मार्जी को बुला लेती हैं मिसेज जॉन, मिसेज जॉन मार्जी को बुला लेती हैं कि बेटा आप अपनी मैथ की क्लास अटेंड कर लीजिएगा। तो ये जाती हैं अपने रूम में जहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगी होती है, रोबोट रखा होता है, ऐसा रोबोट, एक रोबोट रखा होता है लैपटॉप की तरह, एक रोबोट रखा होता है, उसमें रोबोट में क्या होता है, एक इंसान इंसान होता है, रोबोट मतलब इंसान, इंसान मतलब कंप्यूटर की तरह, लैपटॉप की तरह सेम सेटअप होता है, वो पूरा फंक्शन देता है। अर्थमेटिक पढ़ा रहा था, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, अर्थमेटिक उसमें कहता है कि अपनी फ्रैक्शन सॉल्व करिए, फ्रैक्शन सॉल्व करिए, भिन्न सॉल्व करिएगा। तो अब उसका मन नहीं है क्योंकि उसमें एंट्री करनी पड़ती थी, अपना आंसर सेटअप करना पड़ता था। तो अब मार्जी का बिल्कुल भी मन नहीं है पढ़ने का, क्योंकि उसको तो वही दिख रहा था कि यार कितने अच्छे दिन होते होंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया द फन दे हैड, कितना मज़ा आता होगा, कितना आनंद आता होगा जब वो स्कूल में हुआ करते होंगे, अरे यार मुझे भी स्कूल जाना है, ऐसा ही ये चैप्टर सेटअप किया गया है। बच्चों तो आप लोग भी मुझे बताएं कि आज की सिचुएशन आपकी मार्जी की जैसी है कि नहीं, और जो ऑफलाइन पढ़ाई होती थी वो किसके जैसी होती थी। तो आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको ढलना पड़ेगा, तो मार्जी को भी आपको मानना पड़ेगा और आपको टॉमी के दादाजी को भी मानना पड़ेगा, आपको मुझे भी मानना पड़ेगा। अब आप मुझे अपना अपना अनुभव शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग अपना नाम और अपना कमेंट जरूर लिखेंगे कि अभी आपको COVID-19 सिचुएशन में कैसा महसूस हो रहा है। हमें मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, और कमेंट नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, आप शेयर जरूर कर दोगे अपने दोस्तों को भी। कृष्णा सर ने बोला है कि लॉकडाउन में आपको कैसा, मार्जी के जैसा कि आपको टॉमी के दादाजी के जैसा महसूस हो रहा है। बच्चों जरूर आप लोग सब्सक्राइब शेयर इस वीडियो को दूर दूर तक कर दीजिए, हर बच्चे तक पहुंचा दीजिए। आपको अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर की स्टोरी के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ जरूर मिलूंगा। जब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, थैंक यू सो मच।